चलिए अब ये जो क्वेश्चन थे इनके आंसर्स देखें हम, है ना। कौन सी वाली चीज इसमें CLO2 और NO2, है ना, दोनों में क्या था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, बट कौन सी चीज CLO2 का डाइमराइजेशन नहीं होता जबकि NO2 का हो जाता है ना। तो NO2 का स्ट्रक्चर तो अपन ने देखा हुआ है, अब यहाँ पर इसका CLO2 का स्ट्रक्चर हम देखें, तो हम बोलेंगे CLO2 में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे CLO2 के दो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इन कैनोनिकल फॉर्म्स में हमको क्या दिख रहा है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये क्या रहेगा, दैट इज डीलोकलाइज, एक बार वो इस क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड पर डीलोकलाइज है और दूसरी बार इस क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड पर उसका डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, मतलब विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दैट डाइमराइजेशन, वो किसमें है, डीलोकलाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और वो डीलोकलाइज है, इस वजह से क्या हो जाएगा, उसका डाइमराइजेशन इज डिफिकल्ट। आई बात समझ में, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलते हैं कि CLO2 में कौन सी वाली चीज होती है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा वो इस तरीके से क्या रहेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या पॉसिबल नहीं है यहाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका दो ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब आपस में मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है क्योंकि डीलोकलाइजेशन में अच्छे से इन्वॉल्व होता है। आगे समझ में, तो इस वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने की वजह से पैरामैग्नेटिक तो होता है बट इसका डाइमराइजेशन नहीं हो पाता, क्लियर है ना। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट इज OH2HOF और H2O, ये सभी क्या है, बेंट शेप के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और इनमें ना क्या देखना था हमको, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखना था, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज है इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या तीनों जगहों पर सेंट्रल एटम कौन है, दैट इज ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के होने की वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे जो HOF होता है इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से एच पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस जो ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर एफ पर क्या आ जाएगा, दैट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझ आती बात ये। अब कौन सी चीज है, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव होने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, आपस में अट्रैक्शन हो जाता है। समझ आती बात ये। और इनमें आपस में अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्लोज आएंगे तो ये जो एंगल होता है ये कम हो जाता है ना, ये टेट्राहेड्रल से काफी कम होकर, है ना, करीब 97 डिग्री के आसपास हो जाता है, वो क्या बोला जाता है, इस टाइप के जो ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये बेंट शेप होता है उनमें ये वाला बॉन्ड एंगल सबसे कम है ना। HOF में ना क्या रहेगा, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल बेंट शेप वाले उनमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब OF2 जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम तो कौन ही है, वही ऑक्सीजन है, बट इस बार क्या था, दो फ्लोरीन एटम्स थे, तो दोनों फ्लोरीन एटम्स क्या हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है ना। दोनों ही फ्लोरीन एटम्स क्या थे, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव थे, है ना। तो इनके ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से कौन सी वाली चीज हो गई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये किधर की तरफ शिफ्टेड रहेगा, दैट इज टूवर्ड्स फ्लोरीन। समझ आ गई बात ये। और इनके फ्लोरीन पर शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम रहेगी तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं वो ज्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है ये वाटर से छोटा हो जाता है, क्योंकि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द साइड एटम्स, तो HO बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दैट इज टूवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा शिफ्ट रहेगी, तो ऑक्सीजन पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होंगे, रिपल्शन, इस वजह से H2O का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, OF2 से ज्यादा हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोले हमने यहाँ पर, बॉन्ड एंगल वाटर का इससे ज्यादा हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, वाटर, इट इज मोर देन OF2 एंड इट इज मोर देन व्हाट दैट HOF। समझ आ गई बात ये, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसमें क्या बोला अपन ने, एच पॉजिटिव और एफ के नेगेटिव होने की वजह से दे बिकम व्हाट, क्लोज टू ईच अदर, इस वजह से बॉन्ड एंगल कम हो गया,
और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में ऐसा वाला बॉन्ड एंगल ही सबसे कम होता है। इन दोनों में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज टूवर्ड्स एस, इसलिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस टूवर्ड्स ओ, इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा। समझ आ गई बात ये, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, वाटर मोर देन ओ एस टू मोर देन एच ओ एस, क्लियर है ये। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, इट इज सी एल टू ओ सेवन, इसमें हमसे बोला था कि दो टाइप के क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, नहीं ये सही है गलत है बताने में जस्टिफाई करने हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे इसका स्ट्रक्चर बना रखा है Cl2O7 का, तो क्या होगा Cl2O7 जो होता है इसके लिए जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है, ठीक है, कि इसमें दो टाइप के क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स रहेंगे तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ पर किस टाइप से इसको जस्टिफाई करेंगे, हम बोलेंगे जो साइड वाले सारे ऑक्सीजन आइटम्स होते हैं ये क्लोरीन के साथ कौन सी चीज करें, अपना लोन पेयर इसके साथ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में इन्होंने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। समझा गई बात, ये क्या हो जाएगा, इन्होंने सबने क्या करके रखा है, क्लोरीन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में अपने लोन पेयर को शेयर करके रखा हुआ है, ठीक। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर एक बार इस क्लोरीन पर जाता है एक बार इस क्लोरीन पर, ये क्या हो जाएगा, दैट इज काइंड ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, लोन पेयर इधर भी जा रहे हो इधर भी जा रहे हैं। समझ आ रही बात ही, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं जितनी इनमें थी। समझ आ रही बात ही, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कैरेक्टर कम रहेगा। तो ये वाले जो दो बॉन्ड्स होते हैं ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे, और ये तीन और ये तीन छः ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। समझ आ रही बात ही है, तो क्या हो जाएगा, जो बीच वाला क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड है दैट इज लॉन्गर देन ही टर्मिनल वाले क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल कितने यहाँ पे, 3+3 6 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट एंड दीज टू बॉन्ड्स दे आर इक्विवेलेंट एंड दीज टू बॉन्ड्स दे आर लॉन्गर देन द टर्मिनल 6 बॉन्ड्स, आगे समझ में। इसके बाद फिर अगली चीज जो हमसे बोली थी वो कौन सी है, कि क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है CLO2 में वो नॉर्मल क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ से छोटी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में बोला था कि सही है गलत बताना है, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। CLO2 का जैसे स्ट्रक्चर अपन ने बनाया हुआ है ना, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड जो दैट इज पार्शियल डबल, क्योंकि इस कैनोनिकल फॉर्म में ये डबल बॉन्ड है और इस कैनोनिकल फॉर्म में ये वाला डबल बॉन्ड है, दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पे जो दोनों ही क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों ही क्या रहेंगे, पार्शियल डबल होते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों ही क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कैसे, दीज आर पार्शियल डबल। समझा गई बात है, और पार्शियल डबल होंगे तो नेचुरली सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ छोटी हो जाती है, क्लियर हो गई बात है। तो इस वजह से क्या था कि जो CLO2 में क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड से छोटा होता है, क्लियर है।